हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। अगर आपकी YouTube चैनल पे भी कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो रहा है, मतलब अगर आपकी चैनल पे भी रियूज कंटेंट आया है, आपने अपनी YouTube चैनल को मोनेटाइज के लिए भेजा था फिर वहां से रियूज कंटेंट आया है, या अगर आपकी चैनल पहले से ही मोनेटाइज थी और आप उस चैनल पे अर्निंग करते थे फिर अचानक उस चैनल पे रियूज्ड कंटेंट आया, फिर आप लोगों को क्या करना है? गुड न्यूज़ आई है रियूज कंटेंट के लिए। दो ही स्टेप्स आप लोगों को मैं बताऊंगा, उन दो स्टेप्स करने के बाद आप लोगों की चैनल पे रियूज कंटेंट हट जाएगा और आपकी चैनल 100.1% यहाँ से मोनेटाइज होने वाली है। तो एक चैनल है जिसका रियूज कंटेंट आया है, इसको मैं आज रियूज कंटेंट हटाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ रियूज कंटेंट क्यों आता है। अगर आप लोग किसी का भी कंटेंट यूज़ करते हो, किसी दूसरे का कंटेंट यूज़ करते हो उसके इजाज़त के बिना या उसका इजाज़त हो भी, जब आप YouTube को मोनेटाइज के लिए भेजते हो फिर यहाँ से YouTube इसको खुद चेक कर लेता है, फिर YouTube को पता चलता है कि इस बंदे के कंटेंट पे रियूज कंटेंट आ चुका है। अब आप लोगों को घबराना नहीं है, क्या करना है सब कुछ आप लोगों को मैं बता दूँ, बट उससे पहले प्लीज़ अपने भाई की चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख देना, YouTube पे सर्च कर लेना जिस चैनल पे आप लोगों को रियूज कंटेंट आ चुका है। तो यहाँ से हम बैक जाएंगे, मैं इस चैनल की लिंक कॉपी करके आप लोगों के सामने मैं इस चैनल का रियूज कंटेंट हटाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस चैनल पे मेरा रियूज कंटेंट आ चुका था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1.1 के सब्सक्राइबर्स और 5 वीडियोस में ही मैंने इसको मोनेटाइज करके दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली इस पे रियूज कंटेंट आया था, मैंने दूसरे भाई का वीडियो क्लिप, थोड़ा सा वीडियो क्लिप इसमें ऐड कर दिया था। यहाँ से आप लोगों को ये लिंक कॉपी करनी है, लिंक कॉपी करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सीधा अपने YT स्टूडियो में जाना है। YT स्टूडियो में जाने के बाद वही चैनल आप लोग यहां से लॉगिन कर लेना। इतना सब करने के बाद यहां पे आप लोग देख सकते हो अर्न वाले सेक्शन पे फिर से आना है। अर्न वाले सेक्शन में आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहां से एक वीडियो बनाना है, एक रियूज कंटेंट का वीडियो बनाना है, 2 मिनट से कम का वीडियो बनाना है। उस वीडियो में आप लोगों को बताना है कि यूट्यूब को कि ये मेरा रियल चैनल है, इस चैनल पर जो भी कंटेंट है वो मेरा खुद का ऑरिजिनल कंटेंट है। और फिर उस वीडियो को बनाने के बाद यहाँ से आप लोगों को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप लोग उस वीडियो को अनलिस्टेड रखोगे, ना कि पब्लिक करोगे। पब्लिक नहीं करना है, अनलिस्टेड रखना है। अनलिस्टेड रखने के बाद ना आप लोगों को उसमें कोई भी टैग देने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ से आप लोगों को 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, शेयर वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ से उस वीडियो की लिंक जो है वो कॉपी करनी है। इतना सब करने के बाद फिर आप लोगों को अर्न वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अर्न वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टार्ट अपील। स्टार्ट अपील करने के बाद ये आप लोगों को बताएगा कि आप अपील कर सकते हो, किस तरह अपील कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोग वीडियो बना सकते हो, फिल्म बना सकते हो इन एनी लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, जो भी आपकी वीडियो जो है वो 5 मिनट का कम होना चाहिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 2 मिनट का भी कम वीडियो होना चाहिए, तभी यूट्यूब अच्छे से देखता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोगों को वीडियो की लिंक जो है वो देनी है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फिर यूट्यूब आपको फीडबैक देगा कि आपकी चैनल मोनेटाइज हो जाएगी या नहीं। फिर आप लोगों को क्या करना है, नीचे आप लोग देख सकते हो लिंक वीडियो URL, वीडियो URL पे आप लोगों को क्लिक करना है और उस लिंक को यहाँ पे भेजना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वीडियो इज़ नॉट अनलिस्टेड, मतलब कि मैंने आप लोगों को डेमो के लिए सिखाया था कि आप लोगों को किस तरह लिंक इसमें डालना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे लिंक डालोगे, अनलिस्टेड वीडियो का लिंक डालोगे, उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट सबमिट में क्लिक कर लोगे। जैसे ही आप लोग सबमिट पर क्लिक कर लोगे उसके बाद 1-2 दिन के अंदर अंदर आपकी चल मोनेटाइज हो जाएगी। अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं आपका हर डाउट सॉल्व करके दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए भाई की चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख देना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।